हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन तिवारी चंदा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो यूपी टेट लाइव मैथ्स क्लास के अंतर्गत लेक्चर दूसरा मैं लेकर आया हूँ। प्रश्न के पूरे पैटर्न की मैंने चर्चा कर दिया था कि संख्या पद्धति में आपको पढ़ना क्या है, जिसमें कुल मुख्य हेडिंग में तो मैंने 9 ही रखा था, लेकिन अलग अलग टाइप में उसके संदर्भ में कुल 32 प्रकार के प्रश्नों की मैंने चर्चा की थी। तो वहीं से जहां पे मैंने क्लास का पिछले समापन किया था, कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको एक पॉइंट मैंने नोट कराया था कि समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 और समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। इस सेंस को ध्यान देना, जैसे मैंने प्रश्न ये पूछा है कि समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको बिना सोचे समझे इकाई का अंक कितना करना है, 5। चलिए मैं संक्षेप में हिंट दे दे रहा हूं। जैसे इस तरीके से 1 × 3 × 5 × 7 × 9 × 11 × 13 इस तरीके से यह पैटर्न चलता रहे, चूंकि समस्त सेंस है, इंड स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक चीज ध्यान देना, जब समस्त का सेंस आ जाए तो समझिए अनंत विषम संख्याओं के गुणनफल में। तो हमें लगता है कि जब अनंत विषम संख्या है तो समापन जब कहीं पता ही नहीं है तो हम ऑप्शन से कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ऑप्शन लास्ट दे दिया, ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो हमें लगता है कि जब समस्त सेंस है तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं इंड कहां पर है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि समस्त विषम का चर्चा कर रहा है उसके गुणनफल में इकाई का अंक पूछे तो 5 होगा। कैसे? क्योंकि आप जानते हैं 5 एक ऐसी संख्या होती है, 5 एक ऐसी संख्या होती है जिसका गुणा आप अनंत विषम संख्या लेकर गुणा कर दीजिए, इकाई आपको 5 ही मिलेगा। देखिए, जब विषम की बात आएगी तो 5 की चर्चा होगी ही, और 5 का गुणा चाहे जितनी विषम संख्या लेकर आगे पीछे, चाहे जितनी संख्या लेकर गुणा करिए, सब 5 ही आएगा। देखिए कैसे, 1 × 3 में गुणा करेंगे 3 ही आएगा। अब 3 का गुणा आगे 5 में गुणा करिए तो 3 × 5 = 15। अब जैसे ही मान दहाई में जाए, दहाई के अंक को हटा दीजिए। अब 5 का गुणा आगे 7 में गुणा करिए तो 5 × 7 = 35, फिर दहाई छोड़ दीजिए क्योंकि दहाई से मतलब ही नहीं है। अब 5 का गुणा 9 में 45 हो जाएगा, फिर दहाई छोड़ दीजिए। इस तरीके से छोड़ते पकड़ते रहिए, गुणा करिए, लास्ट तक इकाई आपको कितना मिलेगा, 5 ही। इसी तरीके से समस्त सम संख्याओं का जिक्र करें तो समस्त सम के संदर्भ में आप जानते हैं ये प्रक्रिया चलती रहे तो बीच में 10 भी आएगा। देखिए 6 × 8 × 10 × 12, क्योंकि कहीं इंड की बात नहीं करता जब समस्त सम दे दे, तो आप जानते हैं 10 का गुणा या ऐसी संख्याएं जिसमें इकाई का अंक 0 है उसका गुणा आप चाहे जितनी भी संख्या लेकर गुणा कर दीजिए, इकाई डेफिनेट 0 आएगा। तो ये चीज माइंड में रखना है। इसी पैटर्न पर आपको एक फैक्ट और नोट करना है, वो आप नोट कर लीजिएगा, मैं ओरली तौर पे बोल दे रहा हूं कि समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। इस पार्ट को थोड़ा सा आप नोट डाउन किए करेंगे, समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में, जैसे मैं प्रश्न ये दूं कि समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, तो बिना सोचे समझे इकाई का अंक आपको 0 रख देना है। इसका रीजन मैं दे रहा हूं, चलिए देखें, हिंट में बात कर लेते हैं। देखिए, समस्त अभाज्य संख्या, जब मैं संख्याओं का सामान्य परिचय, जैसा कि आपने हेडिंग में किया है, जब मैं उसकी चर्चा करूंगा तो अभाज्य संख्याओं को पूरे डीप में हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आप जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। इसके बाद अभाज्य संख्या क्या होती है, 3। फिर उसके बाद अभाज्य संख्या 5, 7, 9 नहीं, क्योंकि 9 के एक अन्य गुणनखंड 3 भी हैं, तो 11, 13, 15 नहीं, 17, 19, 21 नहीं, 23, 29, 31, इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो ये सेंस है, समस्त सेंस है, आगे डॉट डॉट आपको रिप्रेजेंट करना होगा। मैं आपको बता दूं कि इकाई का अंक 0 आएगा, मतलब अभाज्य संख्या आप जानते ही है, ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती है। केवल और केवल 2 गुणनखंड का मतलब यह है न तो 2 से कम गुणनखंड हो और न ही 2 से अधिक गुणनखंड। चलिए, इस पैटर्न पर यदि आप ध्यान दें, आप जानते हैं कि 5 का गुणा किसी भी सम संख्या के साथ गुणा कर देने से वो इकाई का अंक डेफिनेट तौर पर 0 हो जाता है। वही चीज यहां भी है, 5 का गुणा एक सम संख्या से हो ही जाएगा। जैसे 2 का गुणा 3 में गुणा करेंगे 6,
अब 6 का गुणा 5 में गुणा करेंगे, 6 पंचे 30, दहाई हटा दीजिए। अब 0 का गुणा 7 में गुणा करेंगे, 0, 0 का गुणा 11 में 0, आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है। समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक आपसे पूछे तो बिना सोचे समझे 0 करना। एक पॉइंट और अंतिम नोट कर लीजिएगा, समस्त विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 होता है। समस्त विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 होता है, इस सेंस को थोड़ा समझ लीजिएगा और इसके लिए भी हिंट देके, और फिर नेक्स्ट हेडिंग जो इकाई के अंक से संबंधित है, घातों में इकाई का अंक ज्ञात करना, उस पर्टिकुलर की हम चर्चा करेंगे। ध्यान देना, जैसे मैं प्रश्न आपसे करूं कि समस्त विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको बिना सोचे समझे इकाई का अंक करना है 5। कैसे? आप जानते हैं, हिंट इसका देख लीजिए। आप जानते हैं, जैसे पहले मैं अभाज्य संख्याओं की बात करूं, जैसा अभी अभी आपने लिखा था 2 × 3 × 5 × 7 × 11 × 13 × इस तरीके से 17 × 19 × 23 × 29। एक चीज ध्यान देना, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उसमें 2 को छोड़ दीजिए तो बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या होती है नेचर में विषम ही होती है। आपने थ्योरी में पढ़ा भी है, मैं संख्याओं के सामान्य परिचय में डिटेल में बताऊंगा भी, आपने यह पढ़ा है कि 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है। इसका सेंस ये है कि 2 ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य होते हुए भी सम है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। इसका मतलब ये है जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं नेचर में विषम ही होती है सिवाय 2 के छोड़कर। तो आप 2 को हटा दीजिए, अब जितनी भी अभाज्य संख्या आप जानते हैं या होती हैं वो विषम ही होती हैं। अब आप गुणा कर लीजिए, इकाई का अंक 5 ही आएगा, क्योंकि आप यह जानते हैं कि 5 का गुणा आप चाहे जितनी भी विषम संख्याएं लेकर गुणा करिए, डेफिनेट तौर पर इकाई 5 ही आएगा। जैसे 3 का गुणा 5 में 15, यहां से दहाई छोड़ दीजिए, 5 का गुणा 7 में 35, फिर दहाई छोड़ दीजिए, उससे मतलब है नहीं, 5 का गुणा 11 में 55, आप इस तरीके से गुणा करते रहिए, दहाई छोड़ते रहें, डेफिनेट इकाई 5 ही मिलेगा, तो आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। चलिए दूसरे हेडिंग से शुरुआत करते हैं, इसके जो इकाई के अंक का दूसरा हेडिंग है। आपने हेडिंग में 3 क्रमबद्ध तरीके से हेडिंग किया था, तो उस क्रम में चलिए मैं बात करता हूं घातों में इकाई का अंक ज्ञात करना, टू फाइंड आउट यूनिट डिजिट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दूसरा हेडिंग होगा घातों के इकाई का अंक ज्ञात करना। चलिए यहां पर हम संक्षिप्त चर्चा कर लें। वैसे आप जानते हैं, पहले जैसे मैं एक छोटी सी साइड में भूमिका समझ लूं, जैसे मैं आपसे पूछता हूं 7 × 3 है इकाई का अंक क्या होगा, बिना सोचे समझे आप बता देते हैं 3 होगा, क्योंकि 7 × 3 का सेंस 343 हुआ जिसमें स्पष्ट है इकाई 3 होगा। लेकिन यदि मैं प्रश्न कुछ इस तरीके से रख दूं 2463 और इस पर घात कर दूं 59 और इसमें आपसे पूछूं कि इकाई का अंक क्या होगा, चलिए वैसे आप अलग अलग जब ट्रिकी किताबों में पढ़ते हैं ढेर सारे इतने फैक्ट दे दिए जाते हैं कि आप कंफ्यूज रहते हैं। मैं यहां से एक ऐसा बेसिक आपको दे रहा हूं कि आप जो निष्कर्ष निकालेंगे, यहां से ध्यान देना, आप यहां से जो कॉन्सेप्ट निकालेंगे, जो निष्कर्ष निकालेंगे, अपने तर्क एवं पूर्व ज्ञान के आधार पर निकालेंगे, अतः कॉन्सेप्ट भूलने का अवसर तो बिल्कुल होगा ही नहीं। ये सूत्र आप लॉजिकली स्वयं निकालेंगे। चलिए मैं पहले इस फैक्ट को, सूत्र को समझाता हूं और इसके बाद तब प्रश्न को सॉल्व करूंगा। आपको मैं पहले ओरली तौर पर बता देना चाहूंगा कि संख्याओं का एक अपना निश्चित गुणधर्म होता है, उसके आधार पर यदि हम बात करें तो किसी संख्या का उसी संख्या में 4 बार और गुणा कर देने से इकाई का अंक फिर वहीं से शुरू हो जाता है जहां से क्रम की शुरुआत होती है। मेरे कहने का सेंस आप देखिएगा, पहले व्यवहारता है आ जाए, जैसे मैं आपसे पूछूं कि 2 × 14 में इकाई का अंक क्या है, जो मैंने अभी थ्योरी बोला है आप उससे खुद समझ लेंगे। पहले आप ध्यान देना, 2 × 14 का मतलब यह हुआ कि 2 का गुणा 2 में हमें 14 बार गुणा करना है। ध्यान देना, पहले चलिए मैं 14 बार पूरे लिख देता हूं ताकि आप ये जो निष्कर्ष निकालें अब स्वयं आप
तथ्य तक पहुंच सके, कंक्लूजन तक पहुंच सके। चलिए देखते हैं, हमें इस तरीके से 2 का गुणा 2 में कुल 14 बार गुणा करनी है। देखिए कितनी बार हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 बार हो गया। चलिए एक बार मैं इरेज कर दे रहा हूं। अब यहां से ध्यान देना, 2 का गुणा 2 में 14 बार गुणा किया जाए तो इकाई क्या होगा। पहले मैंने जो थ्योरी बोला है एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी संख्या का उसी संख्या में 4 बार और गुणा कर देने से इकाई का अंक फिर वहीं से शुरू हो जाता है जहां से क्रम की शुरुआत होती है। मेरे कहने का मतलब क्या, देखना, जैसे मैं शुरुआत किया हूं 2 से, कहां से शुरुआत किया हूं 2 से, अब 2 का गुणा 2 में गुणा करते जाइए, 4 बार के बाद फिर आपको इकाई 2 ही मिलेगा। मैं ये देखना चाह रहा हूं कि फिर ये 2 कब रिपीट होगा इकाई पर। चलिए बताइए, 2 का गुणा 2 में 4, क्या इकाई 2 रिपीट हुआ? नहीं। 4 दुना 8, क्या अभी भी रिपीट हुआ? नहीं। 8 दुना 16, 16 में इकाई 6, मतलब अभी भी रिपीट नहीं हुआ। अब 16 दुना 32, देखिए इसमें इकाई 2 फिर से आ गया। अब सेम समझिए, जैसे 2 का गुणा 2 में 4, अभी 2 नहीं आया इकाई में, अब 4 दुना 8, अभी भी 2 नहीं आया, 8 दुना 16, अभी भी इकाई 2 नहीं आया, लेकिन 16 दुना 32, अब देखिए इकाई 2 आ गया। तो जब 32 में इकाई 2 आ गया तो यहीं से फिर शुरुआत करिए, 2 दुना 4, अभी भी 2 नहीं आया, मैं देखना चाह रहा हूँ 2 फिर कब आएगा। 4 दुना 8, अभी भी नहीं आया, 8 दुना 16, अभी भी नहीं आया, लेकिन 16 दुना 32, देखिए इसमें इकाई 2 आ गया। अब इसी तरीके से ध्यान देना, जब 32 में इकाई 2 हो गया तो यहां छोड़ के नहीं चलेंगे, लगातार गुणा है ना, तो 32 में जब 2 हो गया तो 2 का गुणा 2 में 4, 4 दुना 8, अभी भी नहीं रिपीट हुआ, 8 दुना 16, अभी भी नहीं रिपीट है, 16 दुना 32, अब यहां देखिए इकाई 2 रिपीट हो गया। तो जब 32 में फिर इकाई 2 हो गया तो अब 2 का गुणा 2 में गुणा कर लीजिए, ये 4 इकाई का अंक हो जाएगा, यही हमारा एग्जैक्ट उत्तर होगा। अब आपने यहां से क्या निष्कर्ष निकाला, मैं आपसे पूछूं यहां से आपने क्या निष्कर्ष निकाला, तो आप यही कहेंगे कि मैं ये देख रहा हूं कि हर चौथी बार के बाद इकाई फिर वही 2 रिपीट हो रहा है। मतलब जैसे देखिए, चौथी बार के बाद फिर इकाई 2 रिपीट हो गया, जहां से मैंने चला था, मैंने शुरुआत 2 से किया था, तो चौथी बार के बाद फिर इकाई 2 आ गया, फिर चौथी बार के बाद फिर इकाई 2 आ गया, फिर चौथी बार के बाद फिर इकाई 2 आ गया। तो आप निष्कर्ष ये निकाल रहे हैं, जब प्रत्येक चौथे पैटर्न के बाद इकाई फिर वही रिपीट हो रहा है तो इस तरीके से 14 बार लिखने की जरूरत ही क्या है। जब हर चौथी बार के बाद इकाई वही रिपीट हो रहा है तो आप क्यों ना ऐसा करें कि जितनी बार लिखना हो उसी में 4 से भाग कर दीजिए, क्योंकि प्रत्येक चौथे पैटर्न के बाद रिपीट हो रहा है। तो 14 में जब 4 से भाग करेंगे तो शेष 2 बचेगा, तो इसका मतलब आपको 2 का गुणा 2 में केवल 2 बार ही लिखने की जरूरत है, बाकी 12 बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए 12 बार लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 13वीं बार शुरुआत 2 से ही होगा। तो आप ऐसा ही करिए, केवल 13वीं 14वीं केवल 2 ही बार लिखिए, बाकी बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा आप ये कह सकते हैं कि ऐसे प्रश्नों में जितनी घात लगी हो सीधे तौर पर उसमें 4 से भाग करिए, मतलब 14 बार लिखने की जरूरत नहीं है, जितनी घात है उसमें आप 4 से भाग कर दीजिए, जितना चला जाए छोड़ दीजिए, जितना शेष बचे बस वही उठा के आप गुणा कर लीजिए। मतलब निष्कर्ष यहाँ पे क्या निकला, चलिए पहले सवाल हल कर लेते हैं तब निष्कर्ष को यहाँ पर लिखेंगे ताकि और बेहतर समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पर आधार में 2463 है, घात 59 है, तो 2463 गुणा 2463 गुणा इस तरीके से 59 बार तो गुणा करेंगे नहीं, है ना, ऐसे में तो कैलकुलेटर भी जवाब दे जाएगा। तो चूंकि हमें मतलब इकाई के अंक से ही है तो आप आधार में केवल इकाई ही नोट करिए, बाकी दहाई सैकड़े हजार इसके पीछे अंकों से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो अब बताइए इसमें आधार में इकाई का अंक क्या है, 3, तो केवल 3 लिखिए। अब हमें आप बताएंगे कि क्या 3 का गुणा 3 में 59 बार गुणा करें, जैसे यहां पे आधार में इकाई मैंने 3 लिया तो 3 का गुणा 3 में क्या 59 बार गुणा करें, नहीं, क्योंकि 3 का गुणा 3 में इस तरीके से लगातार गुणा करते रहेंगे तो हर चौथी बार के बाद फिर इकाई 3 आएगा, फिर चौथी बार के बाद फिर इकाई 3 आएगा। तो जब प्रत्येक चौथी पैटर्न के बाद इकाई वही रिपीट होता रहे तो हम इस तरीके से 3 गुणा 3 गुणा 3 59 बार लिखें क्यों। आप इस तरीके से 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 59 बार लिखेंगे तो जवाब तो जरूर आएगा, लेकिन परीक्षा के बाद में आपको करना क्या है, जितनी घात है उसमें 4 से भाग कर दीजिए,
भाग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हर चौथे पैटर्न के बाद इकाई तीन रिपीट होगा ही। तो 59 में 4 से भाग करिए, जितना चला जाए छोड़ दीजिए, जितना शेष बचे बस उतनी ही बार लिखना। तो आप बताइए जब 59 में 4 से भाग करेंगे तो 14 बार में 56 हो जाएगा, शेषफल बचेगा 3। तो मतलब 3 × 3 तो हमें अवश्य लिखना है, लेकिन 59 बार नहीं बल्कि 3 बार। 3 कहां से आया? 59 में 4 से भाग करिए, जितना शेष है बस उतना ही बार रखिए, बाकी बार लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप यहाँ प्रैक्टिकल अनुभव के द्वारा ये निकाले हैं तो 3³ 27 में इकाई का अंक 7 है, यही हमारा एग्जैक्ट उत्तर होगा। तो ऐसे प्रश्नों के लिए यदि आपको सूत्रीकरण करना है तो आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, आधार में हमें बाकी अंकों से मतलब नहीं, आधार में केवल आप इकाई नोट करेंगे, आधार में हम केवल क्या नोट करेंगे, आधार में केवल इकाई का अंक नोट करेंगे। उसके बाद क्या करना, इसके बाद जितनी भी घातें दी गई हो, जितनी भी घात दी गई हो उतनी बार लिखने की जरूरत नहीं है, उस घात में 4 से भाग कर देना और जितना शेषफल बचे बस उतनी ही बार पैटर्न को आगे बढ़ाना, बाकी शेष बार लिखने की जरूरत नहीं। इसमें कुछ एडिशनल फैक्ट हैं जो आपको ध्यान देने हैं, और यह एडिशनल फैक्ट क्या हो सकता है मैं इस पर्टिकुलर की चर्चा कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। चलिए आप प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा ये थोड़ा देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे पहले तो प्रश्न आपने इस तरीके से कुछ लिखा था, जो भी था, पहले मैं एक एक्चुअल बात यहां से कर लेना चाहूंगा। जैसे घात में आप 4 से भाग देते हैं, इस पर्टिकुलर को बड़े ध्यान से देखना, घात में 4 से जब आप भाग देते हैं तो भाग देने पर शेष की क्या स्थिति हो सकती है, चलिए हम उस पर बात करें। तो देखिए घात में 4 से भाग देते, जैसे 59 में, जैसे घात यदि थोड़ी देर के लिए समझेगा, यदि घात 57 रहा होता, थोड़ा समझिएगा, यदि घात 57 रहा होता तो 57 में 4 से आप भाग करते तो शेषफल 1 आता, तो हम 3 पर घात 1 लिख देते। और यदि 58 रहा होता तो 58 में 4 से भाग करते तो शेषफल 2 आता, तो हम 3 पर घात 2 लिखते। यदि 59 है जैसे था, मैंने 4 से भाग किया था, शेषफल 3 आया, 3 रख दीजिए, लेकिन बाय द वे यदि कहीं 60 होता तो 4 से भाग करते तो कंप्लीटली डिवाइजिबल होता, शेषफल कुछ नहीं बचता। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि शेषफल 0 आ जाए तो 0 को रिप्लेस कर लीजिएगा 4 से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यदि आप जैसे 60 होता 4 से भाग करते शेषफल 0 आ जाता, 0 रख देते, तो इसका मतलब आप हर चौथी बार रिपीट करा रहे हैं। लेकिन आप ध्यान देना, हर चौथी बार रिपीट नहीं होता बल्कि चौथी बार के बाद रिपीट होता है, मीन्स पांचवीं बार होता है। तो अतः यदि घात में 4 से भाग देने पर शेषफल 0 आए तो रिप्लेस कर लीजिएगा किससे, 4 से। जैसे मैं यहां पर एक प्रश्न लिख दूं, 7382 और इस पर घात 136 में इकाई का अंक क्या है, तो जब साल्व करिएगा तो यहां पर आधार में केवल इकाई नोट करिएगा 2। अब 2 का गुणा 2 में तो 136 बार आप गुणा करेंगे नहीं, इस तरीके से 2 × 2 136 बार, क्योंकि हर चौथी बार के बाद तो वही 2 रिपीट होता रहेगा, इसलिए आप इसमें 4 से भाग कर दीजिए और जितना शेषफल बचे बस उतनी ही बार लिखना। लेकिन 136 में 4 से भाग करेंगे तो पूरी तरीके से विभक्त हो जाएगा, यहां पर शेषफल 0 आ जाएगा, तो 0 नहीं लिखना, 0 को रिप्लेस कर लेना 4 से, मतलब 2 पर घात हो गया 4, मीन्स 16, जिसमें इकाई का अंक 6 होगा। मैं एक अतिरिक्त जानकारी इसमें देना चाहूंगा कि ऐसे प्रश्नों में यदि आधार में इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 आ जाए तो प्रश्न को बिना हल किए इकाई का अंक वही कर देना। जैसे आधार में इकाई का अंक यदि 0, 1, 5 या 6 आ जाए, जैसे यहाँ पे 81 होता 82, तो आपको हल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सभी ऐसी संख्याएं हैं जिनका गुणा आप चाहे जितनी भी बार गुणा करते रहिए इकाई का अंक फिर वही मिलता रहेगा। अतः जब भी ऐसे प्रश्न में आधार में इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 दिखाई दे तो आप देख रहे हैं इसका गुणा आप इसी संख्या में चाहे जितनी भी बार गुणा करते जाइए फाइनली वही आएगा। तो अब स्पष्ट तौर पे समझना, यदि यहाँ पे मान लिया 81 होता और घात 136, तो यहाँ पे आधार में इकाई का अंक 1 नोट करते, 1 का गुणा 1 में चाहे 136 बार गुणा करिए चाहे जितनी बार वही आएगा,
तो इसमें मैं अभी बहुपदी वाले प्रश्नों को लूंगा जिसमें आगे प्लस करके एक और घातांकी क्रम दे दिया जाए, गुणा करके दे दिया जाए, ऐसे प्रश्नों को मैं नेक्स्ट क्लास में रखूंगा और फिर फैक्टोरियल पद में इकाई के अंक की चर्चा करेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि यूपी टेट के कन्फर्मेशन के लिए, एडमिशन के लिए, या कोई भी जानकारी आपके मन में उठ रही हो, कोई डाउट हो, संदेह हो, तो यहाँ पर एक नंबर 8299310097 दिया गया है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं और कंप्लीट डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में, तीसरे लेक्चर से मैं आपको फिर से मिलूंगा और इसी के आगे कंटिन्यू कराऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।